और अब खबर बेमेतरा से है, जहां पर धान खरीदी के पूरा होने के बाद एक महीने बाद भी धान का पूरा उठाव नहीं हो पाया है। वहीं अब भी धान संग्रहण केंद्र सरदा में बारिश की भेंट चढ़ रहा है। धान खरीदी केंद्र सरदा में 16,56,000 क्विंटल धान का भंडारण किया जा चुका है, जिनमें से 10,00,000 क्विंटल धान का उठाव हो चुका है। वहीं 6,56,000 क्विंटल धान का उठाव अभी होना बाकी है, जो बारिश में बर्बाद हो रहा है। और इस मामले में कलेक्टर ने कुछ समिति प्रबंधकों को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया था, मगर इसे लेकर डीएमओ विपणन पल्ला झाड़ लिया है। धान संग्रहण केंद्र सरदा लिंजवारा में 16,56,000 क्विंटल धान का भंडारण हुआ है, जिसमें 10,00,000 क्विंटल धान का उठाव हो चुका है, से 7,00,000 क्विंटल धान। अभी धान खराब है, इसके संबंध में जब तक के निराकरण पूरा नहीं हो जाता है, तब तक के बता पाना या कमी को बता पाना मुश्किल। दिलीप साहू, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिलीप, क्या परेशानी आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है? 16,56,000 क्विंटल धान, बहुत तादाद में धान होता है, किसानों की मेहनत पे पानी फिर जाएगा कुछ और लंबे समय तक रखा रहा तो है। देखिए, बेमेतरा जिले में अभी तक 2 से 3 महीना हो गया है धान खरीदी के लेकर मामले में, और खत्म हुए उतना अभी उठा हुआ है न कुछ हुआ है, लेकिन समिति प्रबंधक और उसका सरदार केंद्र कह रहा है, लेकिन 15,60,000 क्विंटल धान अभी भी है, बारिश चढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तक उठाव नहीं हुआ है। कलेक्टर साहब का कहना है, उठाने के लिए बोले, कई समिति प्रबंधक को नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन अभी तक ना उठाव किया है ना कुछ किया, और धान जो है वो सड़ रहे हैं अभी तक। तो बड़े अधिकारियों से इस पूरे मामले में शिकायत की गई है, क्या कहना है उनका? देखिए, शिकायत तो बड़े अधिकारी शिकायत किया गया है, लेकिन उनको पल्ला झाड़ दिए, एक लाइन से बोल दिए, हमारा अभी तो कोई है नहीं है, जगह कहाँ रखेंगे, कहाँ व्यवस्था करेंगे, इतनी बड़ी है जो 6,000 कुछ और क्विंटल लाख बचे हैं उसमें कहाँ रखेंगे कैसे, और एक लाइन से पल्ला झाड़ दिए। डीएमओ का कहना है ना, वह समिति प्रबंधक धान दे रहे हैं ना कोई दे रहे हैं, लेकिन अभी तक लिंजवारा और हरदा में भी इतने धान पड़े हैं लेकिन पानी में चढ़ रहे हैं। यानी कि और ज्यादा समय तक ये धान यहाँ पर खुले में रखा रहा तो निश्चित तौर से सड़ जाएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया दिलीप जानकारी के लिए।